हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिरिचा। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू जो बहुत ही ज्यादा फेमस है जिन लोगों को एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके बीच में। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ हिमालया के ये प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश का रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो कि मैंने इसको काफी हद तक यूज कर लिया है और थोड़ा सा ये गंदा सा भी हो रहा है वॉशरूम में रखने की वजह से। तो इसको मैंने काफी टाइम पहले परचेज किया था, काफी ज्यादा लेट हो गई मैं इसको पोस्ट करने, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे तरीके से यूज कर लिया जाए और उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में सुन रखा था उस हिसाब से मैंने इसको परचेज किया था। मेरे भी फेस पर हमेशा तो नहीं रहते हैं बट अक्सर मेरे फेस पर भी पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे आप अभी देख सकते हो कि यहां पर छोटा सा पिंपल आया हुआ है। तो इसको मैंने यूज कर लिया है और अब मैं आपके साथ इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो आज शेयर करने जा रही हूं, जिससे आप भी इसको लेने से पहले इसके बारे में अच्छे से जान लो। बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने बॉटल परचेज करी है ये एक पंप वाली बॉटल है, जिससे इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप मतलब समर्स में डेली इसको यूज करते हो तो अच्छा रहता है अगर आप इतनी बड़ी बॉटल परचेज कर लेते हो। तो इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 200 ml का एंड इसका जो प्राइस है वो है 190 rupees का एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 years की है एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। एंड ये जो फेस वॉश है ये नीम विद टर्मरिक आता है, ये एक सोप फ्री हर्बल फॉर्मूला है, बट 100% हर्बल नहीं इसको बोलेंगे, इसमें कुछ केमिकल्स भी एडेड हैं। तो हर्बल के साथ साथ इसमें कुछ केमिकल्स हैं, इसलिए इसको प्रॉपर हर्बल फॉर्मूला टोटल 100% नहीं बोलेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर जैसे कि आपको सभी को पता है कि नीम है मेन इंग्रेडिएंट, उसके अंदर होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपके फेस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोकती है। और उस वजह से अगर आपके फेस पर कुछ एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर जो कि टर्मरिक भी है तो वो भी आपके फेस पर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको होने से रोकता है, वो आपकी स्किन को क्लियर करने में, हेल्दी करने में हेल्प करता है। और अंदर से चूंकि हल्दी जो होती है वो एक नेचुरल स्किन ग्लोइंग मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपके फेस को ब्राइट करने में हेल्प करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो तो आपकी स्किन क्लियर, सॉफ्ट, हेल्दी एंड पिंपल फ्री हो जाएगी। तो ये है इसके क्लेम्स। तो जैसे कि मैंने इसको यूज करके देखा है तो ऐसा नहीं है, ये कोई एक मेडिसिन नहीं है कि अगर आपने आज इसको यूज करना शुरू किया तो कल तक आपके सारे पिंपल्स या एक्ने गायब हो जाने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे इसमें कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज इस पर ध्यान दी है कि जो नए पिंपल्स आ रहे होते हैं उसकी ये लाइफ को कम कर देता है, यानी कि अगर एक पिंपल आपका आज निकलना शुरू हुआ और वो 3-4 दिनों तक कई बार होता ना पेन होता है उसमें काफी, और वो बढ़ते बढ़ते एक जो है लेवल पर आता है जब वो पूरा बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो घटना शुरू होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है एक पिंपल के होने और उसके खत्म होने तक का, उस प्रोसेस को ये काफी ज्यादा कम कर देता है। यानी कि वो एकदम से बड़ा होकर और पककर और जैसा वो हो जाता है ना कि कई बार उसमें कुछ पस वस भी आता है, वो सब होने से ये रोकता है और पिंपल होने के बाद ही उसको जल्दी से ठीक कर देता है। ये चीज मैंने इसमें जरूर ध्यान दी है। रेगुलर मतलब जितनी जल्दी जल्दी आपके पिंपल्स आते हैं उनको भी ये कम करता है, बट आप इसको एक फेस वॉश की तरह ही यूज कीजिए। उसको ये मत समझिए कि मैं कोई मेडिसिन यूज कर रही हूं कि मैं आज लगाऊंगी और कल मैजिक हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। पिंपल्स आपके इसको यूज करने के बाद भी आते रहेंगे, बट उसकी जो लाइफ जैसे मैंने बोला वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको एक साथ 4-5 आते हैं तो 2 या 3 आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगा। तो ये तो है, बट आपको इसको लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले ही बोला ये 100% नेचुरल नहीं है, इसके अंदर कुछ आपको आर्टिफिशियल चीजें यानी कि कुछ केमिकल्स मिल जाएंगे। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो इसमें इनएक्टिव्स भी हैं कुछ, तो वही कुछ केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं ले पाऊंगी, बट ये जो है इसमें पड़े हुए हैं, तो आप इसको 100% नेचुरल नहीं समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, मुझे बहुत पसंद है ये फेस वॉश, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक्ने की वजह से, नॉर्मली भी आप इसको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके फेस पर एक्ने या पिंपल्स हो तभी आप इसको यूज कीजिए, आप उसके बिना भी इसको आराम से यूज कर सकते हो। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आप अपना हल्का सा चाहो तो फेस वेट कर लो, या फिर आप नॉर्मली हाथों को वेट करके इसमें थोड़ा सा हाथों पर ले लीजिए 1 से 2 ड्रॉप, और फिर आप इसको अपने फेस पर जो है लगाइए और अच्छे से इससे जो है फेस पर थोड़ा थोड़ा सा जैसे झाग सा बनने लग जाए
जाता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे तो पसंद है, कई बार मैंने देखा है लोगों को कम पसंद आती है, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। और इसको अपने फेस पर अच्छे से मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर दीजिए तो फेस अच्छा सा क्लीन सा नजर आता है, लगता है कि हाँ फेस एकदम अच्छा साफ हो गया है। मेरे हिसाब से जैसे समर शुरू हो गई है तो समर्स के लिए ये जो है जो फेस वॉश है ये बेस्ट है, अफोर्डेबल भी रेंज में आता है और कोई मुझे इससे दिक्कत नहीं हुई, किसी तरीके का ब्रेकआउट या कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मुझे इससे नहीं हुई है। बाकी अगर आप इसके साथ जो नीम के इसके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको यूज करोगे तो ये इफेक्ट ज्यादा अच्छे से दिखाता है। जैसे मैंने इसके साथ इसका जो स्क्रब है या इसका जो है फेस पैक है वो भी लिया है, जब आप इन तीनों चीजों को साथ में यूज करते हो तो डेफिनेटली उसका असर बहुत जल्दी होता है, नेक्स्ट डे ही आपको लगेगा कि जो आपके पिंपल्स जो है निकले हुए हैं वो काफी हद तक दब गए हैं। तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी उन चीजों का भी रिव्यू। तो आप चाहो तो आप इसको भी सिर्फ यूज कर सकते हो, चाहो तो आप तीनों चीजें लेकर उन सब चीजों को एक साथ यूज कर सकते हो। आप इसको यूज करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। आप बड़ा वाला पैक मत लीजिए, आप कोई छोटा सा 50 ml वाला या फिर 100 ml वाला पैक ले सकते हो। और सबकी स्किन एक टाइप की नहीं होती है, हो सकता है कि किसी को सूट करे किसी को नहीं करे, तो आप एक बार छोटा पैक लेकर देखिए, अगर आपको ठीक लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आपको फायदा हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आज का ये वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।